अब ये लगा दो चिमटा उसको भी, ले बैठ जा, झुक जा, देखते हैं। मम्मी को वोमिटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, हे भगवान बस वोमिटिंग ना हो मम्मी को, तो ट्रैवल सफल। अगर मम्मी को दिक्कत हुई तो भाई वो सबसे ज़्यादा दिक्कत मम्मी को वोमिटिंग होने। चलो फिर करते हैं हम अपनी जर्नी स्टार्ट, और आप बने रहिए मेरे चैनल पे। तो मडी यहाँ चल रही है कार, आई मम्मी रेडी। इन दोनों ने फेस मास्क ले लिए क्या? फेस मास्क ले लिए। और हम निकले हैं सिद्धबली कोटद्वार के लिए। तो देखो रोड पे इतना आज कोहरा, रोड पर देखो दोनों साइड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और रोड पे चलना आज महाभारत हो रहा है। भयंकर कोहरा की कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ड्राइवर भी उतर के बाहर थोड़ा इंजॉय कर रहा है भाई। और ट्रक गन्नों का ट्रक भरा हुआ रोड पे, कुछ तो ट्रैफिक जो है कुछ तो भगा के ले जा रहे हैं इतने कोहरे में भी, लेकिन हम तो अपनी नॉर्मल स्पीड लेंगे। तो अभी ढाई घंटा लगने वाला है, और पौना घंटा हमें चलते हुए हो गया। वैसे 3 घंटे का ट्रैवल था, अब 3 घंटे का लग रहा है, 3:30 में पहुँचेंगे। चलो फिर चलते हैं, और ठंडी भी बहुत है आज। यहाँ अचानक से गाड़ी का टायर हो गया पंक्चर, और यहाँ पे निकालना पड़ रहा है और चेंज करना पड़ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा हमें लग गया है ट्रैवल में, ये भी बड़ा पंगा है। घर का मैकेनिक होने का ये इतना फायदा है कि यहाँ पे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। टायर ठीक करवा के अब निकले हैं यहाँ से कम 20 मिनट लग गई है। अब दोबारा आके किसी, कौन होते हैं ये मैकेनिक, पंक्चर टायर पंक्चर वाले को देखना है कहाँ मिलता है, कितनी दूर पे, वो पंक्चर ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी के लिए तो रखना ही पड़ता है। जैसे कि अब अचानक से आ गई इमरजेंसी। चलो फिर अपना ट्रैवल तो अभी आगे है ही, मिल से अभी अब तो धूप निकल आई। सुबह मॉर्निंग में क्या हाल हो रहा था ना, देखा था? हाँ, बहुत हो रहा था। क्या कर रहे थे अभी? टॉफी, सारी टॉफी एक साथ ही खाई, एक है ना, इसने भी मुँह में भर रखी। और यहाँ पे टायर पंचर ठीक कराने लग रहे हैं। और बच्चे बैठे हैं अभी गाड़ी के अंदर ही, चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो लवी मीठी? अपनी धुन में मस्त हैं। और ये हाईवे रोड है तो ये कंटिन्यू, अब तो धूप भी थोड़ी अच्छी निकल गई है। और हम जस्ट अभी पहुँचे हैं, वो पैदल को ऊपर से भी रास्ता है उधर से आने का है। पहले हम उधर से जाने वाले थे, लेकिन अभी बोला कि इधर से ही लाइन में लग के जाना है, तो यहीं से इधर से ही जाएंगे। थोड़ा मौसम ठंडा है। गाड़ी ले ही आओ। कहाँ पे है? हाँ तो पता नहीं आगे कहाँ तक जा रही। और हम यहाँ लग गए हैं काफ़ी लंबी लाइन में, और मंदिर वो दिखाई दे रहा है उधर दूर। अभी कितनी लंबी लाइन है बेटा? बहुत लंबी, बहुत लंबी। तो इतनी देर तक खड़ी हो जाएगी? हाँ। बहुत आगे तक ऐसे खड़े हो कर जाना है? कितनी देर हो गई खड़े हुए? 1 घंटा कहाँ हुआ है। और फाइनली हम भगवान जी के दरबार में एंट्री करने वाले हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, काफ़ी पिछला पौना घंटा हो गया होगा धीरे धीरे चलते हुए लाइन। और कुछ को बीच में लाइन में घुसने के लिए डांट भी अच्छे से पड़ती है। और यहाँ पे सैनिटाइज और मास्क का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अरे आप पीछे हट जाइए ना, आप कहाँ में जितना रहे हैं, तुम आपने जितना भाई हट गया।
पता नहीं क्योंकि रास्ता तो जा रहा है ऊपर, ये नहीं पता कहाँ जा रहा है। मम्मी और बच्चे तो बैठ गए। सस्ता लो वाला पूरा हिस्सा ऐसे घूम के आगे से जाना है। अब बस थोड़ी दूर बचा है हमारा भगवान जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन करने से। यहाँ से तो दिख रही है ना? हाँ, नदी को बोल रही है ना। और बस हम मेन गेट पर आ गए हैं। यहाँ पर सब जो भी भक्त जन है सबके पहले माथे पर तिलक किया जा रहा है, तब उसके बाद अंदर जाना है। और यहाँ पे भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हर जगह वो जो खड़े हुए हैं मेन बंदे वो गाइड कर रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो ज़रूर बनता है, वीर बजरंग बली की जय। अब ये लगा दो चिमटा उसको भी। ले बैठ जा, झुक जा। आया मुझे आशीर्वाद है ना ये। हाँ। यार आप भी लगा लो प्लीज। नहीं मैं बोल रही हूँ, उसने बहुत अच्छे से सच में जोर से लगा। हनुमान जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो बाबा जी ने चिमटा लगाया है सबको, उसी मंदिर के एरिया में वहाँ पे शिवलिंग भी है और नंदी जी की स्टैचू भी बनी हुई है। तो वहाँ पर हाथ जोड़ने के बाद अब इससे आगे रास्ता सा बना हुआ है, यहाँ पे शनि महाराज जी का मंदिर है। अब हम यहाँ पे भी हाथ जोड़ने के लिए आ गए हैं और बस फिर निकलेंगे आगे, खाना वाना खाएंगे फिर। बोल सुनी देव भगवान जी की जय। देखो मैं ठीक इसको बजवा दूँ, पकड़ ले। तो जमकर
और हम दर्शन करके अभी निकल चुके हैं हनुमान जी के भी और शनि देवता जी के भी। इस बंदर को देख के भाग रहा हूँ। पैरों में ये रोड वाले जो ऊबड़ खाबड़ पत्थर है ये बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, चला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। और हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। वो रिगार्ड बैठ गए जल्दी जल्दी, पैर दुख गए। ये खा जाएगी तेरा सारा सामान, अंदर चला जा। और अब खाना वाना खाने के बाद इस रेस्टोरेंट टाइप कुछ तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अंदर कुछ चल रहा था, हॉल था, लेकिन हमने यहाँ से एक तो पास्ता और मोमोज ऑर्डर दिए खाना खाने के बाद। थोड़ा सा बच्चों को अलग चाहिए था यहाँ का खाना। गाड़ी है उधर लवी, मतलब गाड़ी है उस तरफ, कहाँ जा रहे हो? बस बिजली के तार उधर, चल नीचे चल गाड़ी में, अंदर गाड़ी में अंदर। हाँ बैठ जा। ये तेरा फोटो लूँगा, तू इधर ले लूँ, देख इधर इस तरफ देख, मास्क उतार मास्क उतार। हाँ और अब चल रहा है खाना सबका, किसी की खिची, मूंग की दाल रोटी। एंड टाइम हो रहा है 8 और हम पहुंच गए थे 7 बजे। और अब फटाफट से चेंज वेंज करके अब खाना खाने। बस वीडियो की एंड इतनी अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि मम्मी की आकर हो गई है तबीयत थोड़ी ख़राब, तो मम्मी लेटी हुई है रूम में, लेट गई है मम्मी। मम्मी ने खिचड़ी खा ली है अपनी, तो खिचड़ी इसी हिसाब से बनी थी मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी को हुई है वॉमिटिंग काफ़ी सारी। बस ये थोड़ा ओके नहीं हुआ, बाकी सब ओके ओके है। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो पर जिस टाइम मैं लाइन में खड़ी थी, लाइन में खड़े होते ही मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया था। पेट में दर्द जब हम बाहर थे ना डैडी, तभी मैं बोल रही थी। किस चीज की बात है बता? भूख लग रही थी, आते ही 2 रोटी खाई थी। और बीच में भी तो खाई थी आपने गाड़ी में? हाँ, 2 रोटी सुबह खाई थी, 2.5 रोटी दोपहर को खाई थी, उसके बाद पास्ता भी खाया। वो सारा खत्म कर दिया था? नहीं, पेट भरा हुआ। वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए सभी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ।